हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भुईरा जैम। टू फ्लेवर्स के मैंने भुईरा जैम मंगाए थे, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि कौन कौन से फ्लेवर थे, तो अनबॉक्सिंग करके ही पता चलेगा हमें। और मैं आपको बता दूं कि प्योर जैम है, हिमाचल से ये जो फ्रूट्स लिए जाते हैं उसी का प्योर जैम बनता है। इसमें ना कोई ज़्यादा और कंपनीज की तरह केमिकल्स वगैरह हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कई लोग इसे इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि ये लोकल है, बाकी ये बहुत अच्छा टेस्ट है और प्योर जैम है। मुझे आज तक का सबसे अच्छा बेस्ट जैम लगा और 10-15 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। जिस प्रिजर्व जैसे स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व बोलते हैं, मरमलेड भी अवेलेबल है, जैम्स भी अवेलेबल है, कई तरह की चटनीज भी अवेलेबल है प्योर ओरिजिनल फ्रूट्स की जो होती हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से और देखते हैं कौन कौन से फ्लेवर्स के मैंने मंगाए थे। और 240 ग्राम 249 रुपीज़ के हैं, 250 रुपये का 250 ग्राम मान लीजिए, 1000 रुपये किलो है। थोड़ा महंगा तो है लेकिन इतना अच्छा टेस्ट है, आपको एक तो नुकसान नहीं करेगा और काफ़ी अच्छी पैकिंग में है। अमेज़ोन की तरफ से मैंने मंगाया है, दो पैक्स हैं इसमें, बढ़िया से बॉक्स में है और बबल रैप लग रहा है मुझे अंदर। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके पता चलेगा। ये देखिए अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ये बिल है। ये देखिए 498 रुपये का बिल है। दो फ्लेवर्स हैं, एक तो है ब्लैक चेरी प्रिजर्व और एक रेड प्लम जैम है। ये भी खोल के ही हमें पता चल गया, बबल रैप इसमें है और अखबार के कुछ टुकड़े भी हैं। ये देखिए ऐसे टुकड़े हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, तमिल है या उर्दू है, तो वहाँ के अखबार हैं, पता नहीं कहाँ के हैं। बहुत सारा कचरा दे रखा है, देखिए मेरा कचरा ही कचरा दे रखा है। ये सब डिसअपॉइंटिंग है लेकिन इन्हें सेफ रखने के लिए अच्छा मेथड है। तो फर्स्ट फ्लेवर हमारा खोलते हैं, हैंडल विद केयर का टेप लगाया है। देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या सामान हैं, कितनी शुगर है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी मैं पहले इसे खोल लेता हूँ, इनकी अच्छे से पैकिंग की है जिससे इनको थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुँचे। खोलने में ही बहुत जोर आ रहा है इनको, तो देखिए फ्रेंड्स खुल चुके हैं दोनों फ्लेवर के जैम। ये है हमारा रेड प्लम जैम यानी आलू बुखारे का जैम। ये देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है, प्योर लग रहा है। और ये देखिए भुईरा कंपनी का है, मेड इन हिमाचल प्रदेश का बना हुआ ये जैम है। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, अप्रोक्स दी गई है 100 ग्राम पे और परसेंटेज डेली वैल्यू पे भी दी गई है, मतलब जो एडल्ट की डेली परसेंटेज डाइट होती है उसके हिसाब से भी दिया गया है। तो इसमें बहुत कुछ है, जैसे कैलोरीज हैं 100 ग्राम पर 278 कैलोरीज हैं, प्रोटीन है 0.35 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट शुगर है 10 ग्राम 100 ग्राम पे, टोटल डाइटरी फाइबर 1.2 ग्राम है, फैट है 0.1, फैट तो ना के बराबर ही है इसमें, कोलेस्ट्रॉल 0 है, सोडियम है 21.4 mg मिलीग्राम है और सोडियम कैल्शियम ये सब है, आप पढ़ सकते हैं आराम से जब आप ये ऑर्डर कीजिएगा। तो परसेंट डेली वैल्यूज आर बेस्ड ऑन 2000 कैलोरी डाइट पे ये बेस्ड है, जो परसेंटेज होती है आपको ही पता होगा, जो डाइट परसेंटेज होती है 2000 कैलोरी पे बेस्ड होती है और योर डेली वैल्यू में भी हायर और लोअर डिपेंडिंग ऑन योर कैलोरी नीड्स। वो हमारी बॉडी पर निर्भर करता है कि हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम काम करते हैं। अच्छा, मेड इन इंडिया है, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एड्रेस, इसमें बैच नंबर देखना पड़ेगा, दो जगह इनकी यूनिट्स हैं, एक तो है राजगढ़ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में और दूसरी है राजगढ़ सिरमौर हलोनी पुल और
पहली लोकेशन है विला भुईरा और सेकंड लोकेशन है हलोनीपुर। और ये कस्टमर केयर नंबर्स भी दिए हैं, ईमेल भी दी है इन्होंने, और इनके FSSAI के लाइसेंस भी है दोनों जगह के। रेड प्लम जैम, ये इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, रेड प्लम है इसमें 51%, शुगर है, शुगर ऑलमोस्ट इसमें होगी 45%, और बाकी सब लाइम जूस, प्लम स्टोर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ये मेरे ID से 4% होने चाहिए। ऑब्वियसली इतने ही होते हैं, अब की बार इस पर लिख नहीं रखा, पहले लिखा हुआ था। नो एडिड प्रिजर्वेटिव, देखिए इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंथेटिक कलर्स और फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स फ्लेवर्स और कंपनी के जैम की तरह इसमें कुछ भी नहीं है। नो एडिड प्रिजर्वेटिव, जैसे किसान वगैरह के जैम बहुत ज़्यादा ही मीठे आते हैं और एक बार के लिए अच्छे लगते हैं बच्चों को, बाकी बड़ों के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और इसका टेस्ट किसान से काफ़ी अच्छा है, कई लोग इसे इसलिए नहीं मंगाते होंगे क्योंकि ये लोकल है, लेकिन काफ़ी एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अमेज़ोन से डायरेक्ट जाके वहाँ बाय कर सकते हैं। ये इसका बैच नंबर है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, तो 24 महीने तक ख़राब नहीं होता है मैन्युफैक्चर होने पे। और डू नॉट परचेस पैकेज इफ डैमेज एंड और विद स्टिकर्स ओवर एरियाज कंटेनिंग स्टैचुअरी इंफॉर्मेशन, आप ऐसा पैकेज मत कीजिए जो डैमेज वगैरह जो भी हो रखा है ये सब। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ है, यूज़ क्लीन टूल्स टू टेक जैम, गंदा टूल मत लीजिए, कोई भी चम्मच वगैरह साफ लीजिए। वंस ओपन प्रोडक्ट शुड बी लूजली कैप्ड एंड रेफ्रिजरेटेड, मतलब आपको थोड़ा ढीला करके रखना है इसके ढक्कन को और फ्रीज करके रखना है। ठंड में तो ज़रूरत नहीं है, बाकी गर्मी में आपको फ्रीज करके रखना है। क्रिएटेड बाय हैप्पी माउंटेन वूमेन, मैं बता रहा था आपको है कि असली जो हिमाचल में फ्रूट्स होते हैं उनको पिक करके बनाया गया है। 240 ग्राम्स है, 249 MRP है, 249 MRP पे ही आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये मैन्युफैक्चर्ड है 2 नवंबर 2020 को और इसकी एक्सपायरी है 1 नवंबर 2022 को, तो ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। वैसे ही है हमारा ये ब्लैक चेरी का जैम प्रिजर्व, इसमें बाकी सब सेम रहेगा, ये कोलेस्ट्रॉल सोडियम थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, बाकी थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम वही बैच नंबर फसाई नंबर ये सब लोकेशन सेम है बनने की। और इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ, मेन मेन चीज़ें चेरी, मैं दोनों फ्लेवर्स का आपको बता दूँ, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ओनली स्ट्रॉबेरी का प्रिजर्व यूज़ किया है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने दो वापस मंगाया अलग अलग फ्लेवर्स के जैम, ठीक है। तो इसमें चेरी है, पार्टली स्टोन, मतलब इसमें स्टोन निकाले हुए हैं 50%, कुछ स्टोन होने चाहिए इसमें, पता नहीं क्या मतलब हुआ। और शुगर है अराउंड 45% होगी, एप्पल प्लम जूस, लाइम जूस, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ये 4-5% मिला के इसकी वो होती है क्वांटिटी होती है। बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, सब कुछ वही है, इंस्ट्रक्शन भी वही है और सब कुछ सेम लिखा हुआ है, बैच नंबर का मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। तो यह ब्लैक चेरी जैम, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा जैम, एक बार ट्राई ज़रूर करिए, आप वापस नहीं मंगाए तो मेरी गारंटी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है हमारा, बहुत ही अच्छा जैम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताना। और ये थे हमारे जैम के रिव्यू, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करना और ज़रूर बाय करना जैम।